तो आगे बढ़ेंगे और फतेहाबाद से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी जानकारी हम आपको बता दें, बड़ी जानकारी है फतेहाबाद में तेज रफ्तार का जो कहर वो यहां पर देखने को मिला है। तो तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, आपको बता दें कि कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी है। तेज रफ्तार का कहर लगातार बरकरार है। देखिए सीसीटीवी जो फुटेज है वो भी आप देख पा रहे हैं, जहां पर इतनी तेज रफ्तार थी कि बाइक सवार उछल के दूर जा गिरा है, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। तस्वीर आप गाड़ी की देख पा रहे हैं, आमने सामने की टक्कर हुई है। तो तेज रफ्तार का जो कहर और उसकी सीसीटीवी फुटेज आप देख पा रहे हैं, कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी है। टक्कर इतनी भयानक थी कि गाड़ी आगे से पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। तो ये पास में लगे सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जहां पर हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, इसी के आधार पर पुलिस तफ्तीश कर रही है। तो फतेहाबाद से बड़ी जानकारी, तेज रफ्तार का जो कहर है वो यहां पर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी तरीके से तमाम हादसे हर दिन तेज रफ्तार के कारण होते हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार अपील भी की जाती है कि गाड़ी बेहद आराम से चलाए। तो फतेहाबाद से ये तस्वीर, जहां पर हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और एक तेज रफ्तार कार आती हुई दिखाई देती है और एक सामने से आ रहे बाइक सवार को टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी भयानक थी कि जो बाइक सवार था वो गाड़ी से उछलकर सड़क पर आ गिरता है। और साथ ही साथ ये गाड़ी की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, होंडा सिटी गाड़ी है जो आगे से पूरी तरीके से उसका बोनट क्षतिग्रस्त हो गया है। तो ऐसे में आपको बता दें कि बड़ी जानकारी फतेहाबाद से, हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। तो अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से तेज रफ्तार गाड़ी यहां पर आती है और आमने सामने की यह भीषण टक्कर हुई है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि हादसा इतना गंभीर था कि गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है।